Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. स्वयं प्रभा में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर सुमिति आहूजा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में सहायक प्राध्यापक हूँ आज हम संविदा विधि के सातवें व्याख्यान तक पहुँच चुके हैं जिसका शीर्षक है वॉयड समझौते यानी कि वर्ड अग्रीमेंट्स जिन्हें आप शून्य समझौते भी कह सकते हैं क्योंकि इनका कानून के नज़रों में कोई मोल नहीं कोई वैल्यू नहीं विषय सूची इस प्रकार है सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ड समझौते यानी कि शून्य समझौतों का अर्थ क्या है उनकी परिभाषा क्या है उसके बाद वर्ड समझौते के प्रकार यानि कि टाइप्स ऑफ वर्ड अग्रीमेंट्स फिर हम पढ़ेंगे वर्ड समझौते और वर्ड अनुबंध के बीच अंतर यानी कि वर्ड अग्रीमेंट और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये एक ऐसा विषय है जिसमें ज्यादा करके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एक साम, सेम शब्द है दोनों में इस्तेमाल किया गया पर एक सिर्फ समझौता है दूसरा अनुबंध है तो इनके बीच का अंतर जानना भी बहुत जरूरी है आगे हम देखेंगे वॉइड समझौते और वॉइडेबल यानी कि शून्य अनुबंध के बीच अंतर यानी कि वॉइड अग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच का अंतर आखिर में हम समझेंगे void और अवैध यानी कि इलिगल समझौतों के बीच अंतर आपने ये नोटिस किया होगा ये देखा होगा जब हम विषय सूची देख रहे थे यहाँ है वॉइड समझौते और void अनुबंध यहाँ void समझौते वर्डेबल अनुबंध पर यहां void समझौते और अवैध समझौते दोनों ही समझौते हैं क्योंकि जो एक इीगल अग्रीमेंट यानी कि अवैध जो समझौता भी होता है वो भी कभी अनुबंध बन ही नहीं सकता शुरुआत करते हैं शून्य समझौते यानी कि वॉइड अग्रीमेंट के अर्थ से शून्य का सीधा सा अर्थ है जो कि है कि बिना किसी कानूनी बल या प्रभाव के मैंने आपको बताया कि शून्य समझौते यानी कि वॉइड अग्रीमेंट वो हैं जिनका कानून की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है उनकी कोई कोई प्रभाव नहीं है भारतीय अनुबंध अधिनियम यानि कि भारतीय संविदा अधिनियम अठारह की जो धारा टू जी है उसके अनुसार कानून द्वारा लागू नहीं किए गए समझौते को शून्य कहा जाता है अगर मैं आपको बताऊँ इसका तात्पर्य यह है कि एन अग्रीमेंट फोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड अग्रीमेंट अब इसका मतलब क्या हुआ अग्रीमेंट का मतलब तो हमें पता है एक समझौता एक ने प्रस्ताव रखा दूसरे उस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो बन गया एक समझौता अब समझौता सारे समझौते अनुबंध नहीं होते पर सारे अनुबंध समझौते होते हैं ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि भारतीय संविधान अधिनियम की धारा दस आपको बताती है कि क्या क्या चीजें अनिवार्य है जिनके उपस्थित होने से जिनके प्रेजेंट होने से एक समझौता जो है वो अनुबंध बनता है तो वही चीज का ध्यान आपको रखना है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर तरह के समझौते को मैंने अभी बताया कि हर समझौता अनुबंध नहीं होता इसका मतलब ये है कि हर समझौता जिसमें आगे जाके कोई मन मुटाव कोई डिस्प्यूट या कोई दिक्कत उठती है तो जो पार्टी या जो दोनों पक्ष में से कोई भी न्यायालय या कोर्ट नहीं जा सकता लेकिन अगर एक अनुबंध बन चुका है तब उस केस में तब जो है उस स्थिति में दोनों में से कोई भी पक्ष जिसको नुकसान पहुंचा है वह व्यक्ति कोर्ट जा सकता है तो यहां जब हम कहते हैं कि कानून द्वारा लागू नहीं किए गए समझौते यानी कि वो समझौते जो एनफोर्सेबल नहीं है नॉट एनफोर्सेबल नॉट एनफोर्सेबल इन आइज ऑफ लॉ यानी कि कानून द्वारा लागू नहीं किए गए समझौते ये वे समझौते होते, होते हैं जिनमें कोई अगर दिक्कत आगे जाके उठती है तो दोनों पक्षों में से कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता जैसे कि मैंने आपको पहले काफी व्याख्यानों में ये चीज बताई है कि अगर आप किसी से कोई ड्रग्स खरीद रहे हैं या अगर आप किसी को किसी को मारने के लिए पैसे दे रहे हैं या पैसे देने का वादा कर रहे हैं या, आप तीन लोग मिलके ऐसा कुछ प्लान करते हैं ऐसा कुछ सोचते हैं कि हम किसी चौथे व्यक्ति के साथ कुछ फ्रॉड या धोखाधड़ी करेंगे और उस धोखाधड़ी से जो हमें पैसे मिलेंगे वो हम आपस में वो हम आपस में आ, बांट लेंगे ये सारे हम इनको वॉयड अग्रीमेंट बोलते हैं क्योंकि यहाँ लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है यानी कि वैध प्रतिफल नहीं है ये चीज आपको समझनी है आगे देखे जबकि धारा दो एच यहां हमने दो जी की बात करी है अब हम कह रहे हैं दो एच दो एच जो है धारा भारतीय संविधान अधिनियम की वो एक अनुबंध की परिभाषा के बारे में आपको बताती है वह यह बताती है कि अनुबंध वो समझौता है जिसके आगे टूटने पर या जिसमें जिसमें कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी या पक्ष अगर कोई वादा तोड़ता है तो दूसरा व्यक्ति जो उससे प्रभावित होता है वो कोर्ट जा सकता है वहां लिखा है कि कानून द्वारा लागू करने योग्य एक समझौता एक अनुबंध है यहाँ था कानून द्वारा लागू नहीं किए गए समझौते यहाँ है कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौता अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल जो नॉट एनफोर्सेबल है वो वॉइड है यानी कि शून्य है जो एनफोर्सेबल हो सकता है यानी कि आप कोर्ट जा सकते हैं कुछ कानूनी उपचार के लिए तो वो एक अनुबंध या वो समझौता एक अनुबंध एक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है आगे देखते हैं एक अधिकार या दायित्व लागू करने योग्य है यदि किसी कार्य को करने के लिए बाध्य पार्टी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए मजबूर या आदेश दिया जा सकता है तो ये जो आपको बताया जा रहा है ये मतलब है एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है एनफोर्सिबिलिटी का मतलब यही है कि जब आप कोर्ट जाएंगे कानूनी उपचार के लिए तो कोर्ट के पास पावर है न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो दो जिस पक्ष ने दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाया है उस पक्ष को कानून जो है कोर्ट जो है मजबूर कर सकता है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए अब हम आगे देखते हैं वॉय समझौते के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ड अग्रीमेंट्स भारतीय संविधान अधिनियम अठारह के तहत वॉय घोषित किए गए समझौते इस प्रकार हैं सबसे पहला जो धारा 24 में दिया गया है जिस समझौते का प्रतिफल और उद्देश्य भाग में गैर कानूनी है ये भाग में गैर कानूनी का मतलब क्या हुआ धारा हमने धारा तेईस के बारे में पहले एक व्याख्यान में पढ़ा था जहां पे बात की गई थी कि जो प्रतिफल है अगर प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन किसी समझौते में अगर मिसिंग है या नहीं है या सिर्फ एक तरफा है तो ऐसी स्थिति में एक तरफा भी नहीं आप ये समझ के चलिए कि वो अनलॉफुल है वो लॉफुल नहीं है अवैध है कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है ज, 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 जैसे जैसे यहाँ लिखा है प्रतिफल उद्देश्य विचार मैं प्रतिफल बताना चाह रही हूं आपको प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन वो गैर कानूनी है या फिर उद्देश्य उसका ऑब्जेक्ट जो है वो गैर कानूनी है तो ऐसे स्थिति में जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा क्योंकि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है हमने धारा दस में पढ़ा है कि प्रतिफल और ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य जो है एक समझौते का वो वैध होना चाहिए यानी कि लीगल होना चाहिए तो ये जो धारा चौबीस है ये कहती है कि जिस समझौते का प्रतिफल उद्देश्य भाग में गैर कानूनी है यानी कि पाटली यानी कि पूरा का पूरा नहीं भाग में गैर कानूनी है मतलब कि अगर आपने देखिए, अगर आपने एक व्यक्ति को नौकरी पे रखा अपने यहां नौकरी पे रखा और किस नौकरी पे रखा है ये समझिए कि आपने उसको एक से ज्यादा काम करने के लिए दिया हुआ है यानी कि जो उसका जिसे हम कहते हैं वर्क प्रोफाइल वो एक से ज्यादा काम करने के लिए है यानी कि वो आपके दफ्तर में काम करता है आपके लिए आपके दफ्तर में काम करता है समझिए वो आपका पर्सनल सेक्रेटरी है ठीक और दूसरा काम आप उससे जो करवा रहे हैं जिसके लिए आप उसको चाहे सैलरी भी देते हो पर जो दूसरा काम आप उससे अगर करवा रहे हैं वे काम अगर गैर कानूनी है अगर वो काम गैर कानूनी है अनलॉफुल है तो ऐसी स्थिति में क्या वही धारा 24 आपको बताती है कि भाग में वो गैर गैर कानूनी है तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ते हैं एक एक प्रिंसिपल आता है एक चीज है जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी severability का जो सिद्धांत है severability ये कहता है कि अलग कर देना दो चीजों को अलग कर देना अलग कर देना का मतलब ये है कि एक कानून बना अब उस कानून में एक ऐसी धारा या कुछ ऐसी धाराएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के दायरे से बाहर जाती हैं और वो जो भारतीय संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देते हैं वो फंडामेंटल राइट्स को वो नुकसान पहुंचाती है उन्हें इंफ्रिंज करती है ऐसी स्थिति में हम कोर्ट जा सकते हैं अब जो ये येबिलिटी का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई कानून चैलेंज किया जाता है या उसके खिलाफ कोई कोर्ट जाता है तो ऐसे में कोर्ट ये कर सकता है कि उस कानून को पूरा का पूरा रद्द करने की जगह उसका वो भाग जो गलत है या जो कानून के या संविधान के दायरे से बाहर है उसको अलग करके अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी जो बचता है उस कानून के अंतर्गत अगर वो तब भी मान्य है अगर वो तब भी अपने बल पे खड़ा रह सकता है तो ऐसी स्थिति में आप याद रखिए कि पूरा का पूरा कानून नहीं हटाया जाता उतना हिस्सा हटा दिया जाता है जो हिस्सा अब किसी काम का नहीं है उसी तरह से यहाँ पर भी यही है अगर आपने किसी व्यक्ति को नौकरी दी हुई है और आप उससे एक से ज्यादा काम कराते हैं वो काम जो कानूनी है जो बिल्कुल वैध है जो बिल्कुल लॉफुल है वो ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों के बीच में बना है उतना वो समझौता जो है वो उतना हद तक ठीक है पर अगर आप उसके बाहर उससे कोई ऐसी चीजें करा रहे हैं तो वो जो है यहां आ जाएगा वॉइड समझौतों के अंदर क्यों? क्योंकि वो लॉफुल नहीं है मैं वापस से आपको बता रही हूँ आगे देखते हैं दूसरा प्रकार बिना प्रतिफल के समझौता यानी कि बिना कंसिडरेशन बिना प्रतिफल के अगर कोई समझौता हो धारा पच्चीस ये हमने वो व्याख्यान जिसमें प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था तब हमने ये चर्चा करी थी इस चीज पे चर्चा करी थी कि जो धारा पच्चीस है वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कहती है कि अगर कोई समझौता जिसमें प्रतिफल नहीं है यानी कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो एक शून्य के बराबर है यानी कि वो वॉइड है तो धारा 25 में वही दिया गया है आगे बढ़ते हैं धारा 26 विवाह के संयम में समझौता जहां हम संयम की बात कर रहे हैं वहां हम कह रहे हैं रिस्ट्रेंट जो धारा छब्बीस है वो कहती है कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड यानी कि विवाह के संयम में समझौता धारा 26. हम विस्तार से ये सब पढ़ेंगे पर पहले एक बार एक झलक देख लें। धारा 27 कहती है व्यापार के संयम में समझौता यानी कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड यानी कि एक शून्य के बराबर धारा अट्ठाईस कहती है कानूनी कार्रवाई के संयम में समझौता यानी कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इज वॉइड धारा उनतीस जो बात करती है अनिश्चित समझौते के बारे में यानी कि अनसर्टन अग्रीमेंट्स धारा तीस जो दाव लगाने के समझौतों के बारे में बात करती है यानी कि वेजरिंग अग्रीमेंट्स और आखिर में हम देखेंगे धारा छप्पन धारा छप्पन जो है वो कहती है कि असंभव कार्य करने के लिए समझौते यानी कि समझौतेबल एक्ट अब हम एक एक करके इन सबको समझेंगे सबसे पहले हम आए धारा 24 पर जो बात करती है जो जिक्र करती है समझौते जिनमें ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन यानी कि उद्देश्य और प्रतिफल भाग में गैर कानूनी है यदि एक या एक से अधिक उद्देश्य के लिए एक कोई भी हिस्सा या किसी एक उद्देश्य के लिए कई टिफन में से किसी का एक का कोई भी हिस्सा गैर कानूनी है मतलब अभी मैंने आपको वो एग्जाम्पल दिया ही था कि एक से ज्यादा अगर हम कहते हैं काम आप किसी अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो अभी हमने वो उदाहरण जो डिस्कस किया था उसी के बारे में यहाँ आप चर्चा है तो समझौता शून्य है अब एक उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं ए बी की ओर से नील के कानूनी निर्माण और अन्य वस्तुओं में अवैध यातायात का अधीक्षण करने का वादा करता है बी ए को प्रति वर्ष दस हजार रुपए का वेतन देने का वादा करता है सैलरी समझौता शून्य है ए के वादे का उद्देश्य और बी के वादे के लिए जो प्रतिफल है यानी कि कंसिडरेशन है भाग में गैर कानूनी है क्योंकि आपने उसको नौकरी पे तो रखा है तो नील के कानूनी निर्माण यानी कि इंडिगो का जो लॉफुल लीगली मैन्युफैक्चर में वो आपकी मदद कर रहा है कानूनी निर्माण और अन्य वस्तुओं में अवैध यातायात अनलॉफुल इलीगल ट्रांसपोर्ट का अधीक्षण करने, करने का वादा करता है सुपरविजन करने का वादा करता है यह हिस्सा कानूनी ये हिस्सा गैर कानूनी जो गैर कानूनी हिस्सा है वो वॉइड हो जाता है पूरा समझौता ये ध्यान रखिएगा यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी जब मैं आपको सिवियेबिलिटी के सिद्धांत के बारे में बता रही थी मैं आपके लिए यहां लिख भी देती हूं सिवियेबिलिटी का सिद्धांत यानी कि दो हिस्से जो एक साथ रहने योग्य नहीं है उन्हें अलग कर देना पूरा समझौता तब तक शून्य होगा जब तक कि वैध हिस्से को नुकसान पहुंचाए बिना गैर कानूनी हिस्से को अलग नहीं किया जा सकता है बिल्कुल वही जो मैंने आपको कहा कि अगर कानून का मैं जब आपको अभी उदाहरण दे रही थी कानून का वो हिस्सा वो हिस्सा जो अलग किया जा सकता है और जो अलग किया जाना चाहिए बल्कि क्योंकि वो अवैध है तो जो बाकी का हिस्सा बचता है अगर वो अपने बल पे रह सकता है खड़ा उसका तब भी कुछ मीनिंग कोई उद्देश्य कुछ पर्पस है जो वो कर सकता है पूरा तो ऐसी स्थिति में जो पार्ट सही है जो हिस्सा बिल्कुल सही है वो वैसे ज्यो का त्यो रहेगा जो हिस्सा नहीं सही है अवैध है वो अलग कर दिया जाता है वही चीज यहाँ पर भी इस पॉइंट में आपको मिलेगी अब हम देखते हैं आगे धारा 25 में बिना कंसिडरेशन के समझौता यानी कि बिना प्रतिफल के किया गया समझौता अब हम देखेंगे आगे बिना के समझौता यानी कि बिना प्रतिफल के समझौता क्योंकि बिना प्रतिफल के अगर कोई समझौता है तो वह समझौता कभी अनुबंध नहीं बन सकता हमने ये पहले भी पढ़ा है धारा 25 के तहत हम देखते हैं कि क्या क्या उसका आश्र होता है अगर किसी समझौते में कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल वो नहीं है यह एक वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल की आवश्यकता के अपवादों से संबंधित है यह कहता है कि प्रतिफल के बिना किया गया एक समझौता जो है वह शून्य होता है यानी कि अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड तो लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जो धारा पच्चीस है उसमें तीन अपवाद दिए गए हैं क्योंकि कहते तो हम है कि भाई अग्रीमेंट विदाउटेशन वॉइड है प्रतिफल अगर नहीं है किसी समझौते में तो वह कभी अनुबंध नहीं बन सकता पर तीन अपवाद जो है धारा पच्चीस में दिए भी गए हैं जो हमने पहले जिन पर चर्चा करी भी है सबसे पहला है नैसर्गिक प्रेम और स्नेह यानी कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बना या दिया गया एक उपहार मैंने आपको इसमें ये बताया था कि जो कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल है वो दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे को दिया जाता है वो सिर्फ यूनिलेटरल यानी कि एक तरफा एक पक्षा नहीं हो सकता लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं आपके जो ये तीन अपवाद दिए हुए हैं धारा 25 में ये कहते हैं कि नहीं तीन ऐसे जो एग्जाम्पल या तीन ऐसे उदाहरण हैं या स्थिति है जिनमें अगर एक तरफा भी प्रतिफल दिया गया है तब भी वह मान्य है दूसरा है पिछली स्वैच्छिक सेवाएं यानी कि पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। तो जब हमने प्रतिफल के बारे में व्याख्यान जब किया था तब हमने ये बताया था कि जो पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज है वो पास्ट कंसिडरेशन से अलग होती हैं पास्ट मैं एक बार बस वो डिफरेंस आपको वापस से याद दिला देती हूँ तो पास्ट वॉलेंट्री सर्विस जो है आप देख रहे हैं लिखा है पिछली स्वैच्छिक सेवाएं यानी कि आपने अपनी मर्जी से कभी किसी के लिए कुछ किया है तो वह व्यक्ति अगर खुद को आपका आभारी समझता है तो वो आपको वादा कर सकता है कि वो आपको उसके बदले में कुछ देगा या आपके लिए कुछ करेगा तो पास्ट वॉलेंट्री सर्विस उसमें आता है जब हम पास्ट कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं या पिछला प्रतिफल के बारे में बात करते हैं तो उसमें यह है कि जब आपने किसी व्यक्ति की मर्जी से उसे प्रतिफल दिया है यानी कि वह व्यक्ति भी चाहता है आपके साथ समझौता करना तो उसके चाहने के पश्चात ही आपने उसको वह प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन दिया है तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना जरूरी कि वो पास्ट कंसिडरेशन है और ये जो है वो पिछली स्वैच्छिक सेवाएं हैं यानी कि अपनी मर्जी से दूसरे की मर्जी से नहीं किया आपने तीसरा हमने पढ़ा था समय वर्जित ऋण यानी कि टाइम बार डेट अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे धारा 26 के बारे में धारा 26 में दिया गया है विवाह के संयम यानी कि रिस्ट्रेंट में समझौता अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज थोड़ी देर पहले मैंने आपको भारत के संविधान के बारे में बताया कुछ उसके ऊपर जिक्र किया अब मैं आपको बताती हूँ कि धारा छब्बीस में मैं भारत के संविधान के बारे में क्यों जिक्र कर रही हूँ वो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी कि फंडामेंटल अधिकार दिए गए जिनमें से एक ये भी है जिसे हम कहते हैं जो आर्टिकल ट्वेंटी वन आपको बताता है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जब हम लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं इसका मतलब ये है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत ही ये चीज आती है कि मुझे खुद चूज करने का या अपनी मर्जी से मौका मिले कि मैं किसके साथ विवाह करना चाहती हूँ या किसके साथ विवाह नहीं करना चाहती अगर कोई ऐसा समझौता बनता है कोई ऐसा अग्रीमेंट बनता है जो मुझे शादी करने से रोके तो वह अग्रीमेंट जो है या वह समझौता जो है वो एक शून्य के बराबर है वो एक वॉइड अग्रीमेंट है क्यों है क्योंकि वो भारतीय संविधान में मुझे दिए गए फंडामेंटल अधिकारों के विरुद्ध है नाबालिग के अलावा किसी भी व्यक्ति के विवाह के संयम में हर समझौता शून्य है यानी कि जो माइनर यानी कि नाबालिग है उसको एक एक्सेप्शन यानी कि अपवाद माना गया है पर उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के विवाह के रिस्ट्रेंट यानी कि संयम में हर समझौता शून्य है आप किसी के लिए ये निर्णय नहीं ले सकते जिस व्यक्ति को विवाह करना है या विवाह नहीं भी करना है वो उसकी मर्जी है उसे चुनना है उसे डिसाइड करना है उसे अपने लिए निर्णय लेना है और ये मुझे भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है कानून की नीति क्या है वह यह है कि उन समझौतों को हतोत्साहित करे जो विवाह की स्वतंत्रता को रोकते हैं संयम सामान्य या आंशिक हो सकता है यानी कि जो रिस्ट्रेंट के बारे में बारे में हम बात कर रहे हैं वो रिस्ट्रेंट जो है कंप्लीट पूरा सामान्य हो सकता है या आंशिक हो सकता है मानी कि पार्टली हो सकता है मेरे पे ये दबाव डालना कि मैं शादी करूं ही नहीं या ये दबाव डालना कि इसी एक ही इसी ही व्यक्ति के साथ शादी करूं तो वो हो गया पूरा कंप्लीट यानी कि सामान्य संयम कि भाई आप ये अग्रीमेंट कर दे कि आप शादी करेंगे ही नहीं वॉइड है मुझे खुद डिसाइड करने दीजिए आप मेरे लिए नहीं डिसाइड करेंगे और आंशिक यानी कि यह दबाव डालना उस अग्रीमेंट में ये डालना कि मैं किसी एक के साथ ही करूं दूसरे के साथ नहीं कर सकती तो वो हो गया आंशिक संयम दोनों ही मामले में वो वॉइड ही कहलाएगा यानी कि चाहे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट हो या पार्शल रिस्ट्रेंट हो वो शून्य के बराबर ही है केवल अपवाद नाबालिग के पक्ष में है समझौता की पुनर्विवाह पर एक विधवा रखरखाव रखाव का अधिकार खो देगी पुनर्विवाह पर दंड को विवाह के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है इसका मतलब ये है कि अगर आप ये अग्रीमेंट करें, ये अग्रीमेंट इस आ, केस में नहीं आता अग्रीमेंट ये है कि अगर कोई स्त्री जो विधवा हो गई है वो अगर आप ये उसके साथ करे कि जो उसका जैसे लिखा है समझौता कि पुनर्विवाह पर एक विधवा रख रखाव का अधिकार खो देगी यानी कि मेंटेनेंस खो देगी रख रखाव माने मेंटेनेंस का राइट खो देगी अगर वो दोबारा विवाह करती है विधवा होने के बाद तो ऐसी स्थिति में वो यहाँ नहीं आएगा अब उसको अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट नहीं बोल रहे क्योंकि आप किसी को शादी करने से रोक नहीं रहे हो तो यहाँ लिखा है पुनर्विवाह पर दंड को विवाह के प्रतिबंध के रूप में नहीं माना जा सकता है अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप पुनर्विवाह करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा और जो आपका ये रख रखाव जो आपको मेंटेनेंस जो दिया जाता था वो नहीं दिया जाएगा तो ये अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं है कोई शादी करने से रोक नहीं रहा और पहली बात जब आपकी दोबारा शादी हो रही है तो पिछली शादी का मेंस रख रखा वो आपके किसी काम का नहीं है उस पर आपका हक भी नहीं है आगे देखते हैं व्यापार के संयम में समझौता यानी कि धारा 27 प्रत्येक समझौता जिसके द्वारा किसी को किसी भी प्रकार के वैध पेशे यानी कि लॉफुल ऑक्यूपेशन व्यापार यानी कि ट्रेड या व्यवसाय यानी कि बिजनेस का प्रयोग करने से रोका जाता है उस सीमा तक शून्य है यानी कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक समझौता करते हैं जिसके अंतर्गत आपको आप उस व्यक्ति को किसी एक तरीके का कोई भी वैध ये जरूर याद रखिएगा वैध अनलॉफुल नहीं लॉफुल वैध पेशा या व्यापार या व्यवसाय ट्रेड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन बिजनेस इस तरह का कुछ भी उसका प्रयोग करने से आप उस व्यक्ति को आप रोकते हैं वो करना चाहता है वो एक बिजनेस है अगर आप उसके साथ अग्रीमेंट करें और उस, उसमें ये लिखा हो जिसके कि आप उस व्यक्ति से ज़बरदस्ती का ये वादा ले रहे हैं जबरदस्ती भी नहीं अगर ये वादा ले रहे हैं कि इस तारीख के बाद वो अपना बिजनेस जो है बंद कर देगा रोक देगा इस तरह का वादा अगर आप उससे ले रहे हैं तो वो भी वॉइड अग्रीमेंट ही कहलाता है क्यों क्योंकि अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो वर्ड फिर से इसको भी आप भारत के संविधान तक ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि भारत का संविधान ही मुझे फ्रीडम टू कैरी एनी ट्रेड प्रोफेशन देता है फ्रीडम टू कैरी एनी लॉफुल ट्रेड प्रोफेशन ऑक्यूपेशन देता है तो फिर वही बात आती है कि जब भारत का संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपनी मर्जी का कोई भी पेशा कोई व्यापार कोई व्यवसाय करूं बस एक रिक्वायरमेंट है कि वो वैध वो लॉफुल हो तो आप मुझसे मुझे ऐसे समझौते में बांध कर जहां पर मुझे आप वो एक एक जो व्यवसाय मैं कर रही हूं करना चाहती हूँ वो करने से रोकते हैं तो वो भी वॉइड अग्रीमेंट वॉइड समझौता यानी कि शून्य समझौते के अंतर्गत आता है अपवाद यानी कि एक एक्सेप्शन है अपवाद का मतलब एक्सेप्शन होता है ये आप समझ लीजिए बशर्ते कि ऐसी सीमाएं न्याया न्यायालय को उचित प्रतीत हो व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में ये आप एक बार समझिए कि एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया जैसे हम कहते हैं गुडविल अपने बिजनेस की जो गुडविल है जो आपका बिजनेस है जिस जो इतना फला फैला हुआ बिजनेस है अगर आपने वो बिजनेस किसी को बेच दिया है अपनी मर्जी से उसकी गुडविल जो उसका रेपूटेशन है मार्केट में गुडविल का मतलब होता है एक मार्केट में बाजार में उसके नाम की कितनी चर्चा है क्या रेपूटेशन है क्या उदा है अगर आपने अपना बिजनेस किसी को बेच दिया तो जाहिर सी बात है उस बिजनेस का जो मार्केट में बाजार में उदा है वो भी आपने उस बिजनेस के साथ साथ उसे बेच दिया है तो जब आपने ऐसा खुद अपनी मर्जी से कर दिया है तो वो एक्सेप्शन है धारा सत्ताईस में वो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप अपना बिजनेस बेच रहे हैं तो उसी नाम से उसी उसी ही बिजनेस उसी नाम से जिससे आपका वो बिजनेस जाना जाता था वो बिजनेस बेचने के बाद किसी को उसी नाम का प्रयोग आप दोबारा नहीं कर सकते अपना बिजनेस वापस करने के लिए ये चीज का आपको समझना बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि फिर आप ये नहीं कह सकते अगर आप मुझे ये करने से रोकेंगे तो अग्रीमेंट एंड रिस्टेंट ऑफ ट्रेड तो वॉइड होता है भाई ये समझिए कि आपने अपना बिजनेस उसे बेच दिया है उसका जो मार्केट में है वो आपने उसको बेच दिया है तो अब आप किस हक से उसको बेचकर उससे पैसे लेकर उसी नाम का प्रयोग दोबारा करेंगे तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है सेल ऑफ गुडविल जिसे कहते हैं और यहाँ जो हमने लिखा है बशर्ते कि ऐसी सीमाएं न्यायालय को उचित हो व्यवसाय के प्रकृति के संभव संबंध में अब इसका मतलब ये भी है कि देखिए अगर आप गुडविल भी बेचते हैं अब मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा व्यापार जो है वो भारत के बहुत एक छोटे से भाग में सीमित है वो पूरे भारत में फैला नहीं हुआ अंतरराष्ट्रीय तो वो तो इंटरनेशनल तो भूल ही जाइए पूरे भारत में नहीं फैला हुआ पर जहां भी भारत के एक छोटे से कोने में जहाँ भी मेरा व्यवसाय जहाँ भी मेरा व्यापार चलता है उसका बहुत ज्यादा नाम है वहाँ पर अब अगर मैंने अपना जो बिजनेस है जो मेरा व्यापार है मैंने किसी को बेचा उसके साथ साथ उस बिजनेस का जो अहदा जो रेपुटेशन या गुडविल है मार्केट में वो भी बेच दी अब अगर मुझे सामने वाला व्यक्ति मेरे पे ये रोक लगाए कि इस तरह का बिजनेस मैं इस नाम का नहीं कह रही इस तरह का बिजनेस मैं भारत के किसी और कोने में या कहीं पे भी जाके नहीं कर सकती तो वो गलत है क्योंकि यहां यही लिखा है कि ऐसी सीमाएं न्यायालय को यानी कि कोर्ट को उचित प्रतीत हो यानी कि रीजनेबल लगे अब आप भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं आप एक स्टेट में या एक स्टेट के एक सिटी में अपना अगर व्या, व्यापार करते हैं तो आप जिस व्यक्ति को वो व्यापार बेच रहे हैं वो आप पे ये रोक नहीं लगा सकता कि अब आप भारत के किसी कोने में भी ये नहीं करेंगे किसी को क्या लेना देना आपका जो गुडविल है बिजनेस का या जो मार्केट में आपके बिजनेस का नाम है वो सिर्फ उस एक जगह तक सीमित है पूरे भारत में नहीं है अगर पूरे भारत में हो तो आपको बिल्कुल रोका जा सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया सेल ऑफ गुडविल है तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा भारत का संविधान 1950 व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है मैंने अभी आपको बताया फ्रीडम मिलता है आपको जो अनुच्छेद हमारा 19 है भारत के संविधान का आर्टिकल 19 वो आपको फ्रीडम देता है कि आप किसी भी एक वैध प्रकार का यानी कि लॉफुल व्यापार या वाणिज्य कोई भी बिजनेस जो है अपनी स्वतंत्रता आपको एक फ्रीडम दिया गया है कि आप वो अपनी मर्जी से कर सके जिस तरह विधायिका किसी व्यक्ति के व्यापार की स्वतंत्रता को छीन नहीं सकती है उसी तरह व्यक्ति एक समझौते के माध्यम से इसका आदान प्रदान नहीं कर सकता है प्रतिबंध चाहे आंशिक या सामान्य दोनों को कवर किया जाता है यानी कि रिस्ट्रेंट जब हम बोलते हैं चाहे वो आंशिक हो यानी कि पार्शल रिस्ट्रेंट हो या चाहे वो एक कंप्लीट जनरल टोटल रिस्ट्रेंट हो दोनों ही सूरतों में ये जो रिस्ट्रेंट है प्रतिबंध है कवर किया जाएगा ये शून्य ही कहलाएगा एक मोहल्ले में दो प्रतिद्वंदी यानी कि दो दुकानदार थे एक दूसरे को एक राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है यदि वह उस विशेष इलाके में अपना व्यवसाय बंद करने का विकल्प चुनता है व्यवसाय बंद हो जाता है लेकिन प्रस्तावक पैसे देने से इनकार कर देता है अब हम आगे देखेंगे धारा अट्ठाईस जिसमें दिया गया है कि कानूनी कार्रवाई के संयम में समझौता यानी कि जो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग यानी कि कानूनी कार्रवाई को रोकता है यानी कि कानूनी उपचार लेने के लिए आपको रोकता है उसे हम वॉइड कहते हैं सुधारा अट्ठाइस ये कहती है कि मान लीजिए आपने एक दूसरे व्यक्ति के साथ एक समझौता किया मैं देखिए कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध नहीं बोल रही मैं कह रही हूँ समझौता किया और उस समझौते के तहत आपने एक ये क्लॉज डाला अपने आ, अपने उस समझौते में जहाँ ये लिखा गया है कि आगे जाकर कोई भी व्यक्ति अगर दोनों में से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी वादे को उस समझौते के अंतर्गत किसी भी वादे को पूरा नहीं अगर कर सकेगा तो दूसरे व्यक्ति के पास या जिस व्यक्ति को उससे नुकसान पहुंचाए वो व्यक्ति कोर्ट या न्यायालय कानूनी उपचार मांगने की प्रार्थना करने नहीं जाएगा इसका मतलब ये है कि अगर अग्रीमेंट में समझौते में इस तरह का कुछ डला हुआ है तो वो वॉइड है क्यों क्योंकि फिर मैं आपको भारत के संविधान पे लेके जाती हूँ उसके अंतर्गत आपको अधिकार है कि अगर आपके राइट्स कोई भी व्यक्ति अगर आपके राइट्स को अधिकार को नुकसान पहुंचाएगा तो आपको भारतीय संविधान ये उसके ऊपर अधिकार देती है कि आप न्यायालय जाकर किसी कानूनी उपचार की प्रार्थना कर सके तो अगर आप कोई समझौता अगर किसी व्यक्ति के साथ करते हैं और अगर आप अपने हस्ताक्षर भी उस पर कर दे मान लीजिए पर जब आगे जाके ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर कोई वादा पूरा नहीं कर सका यहाँ आप ये बोले कि उसने उस समझौते का आ, आ, मतलब उसने उल्लंघन कर दिया तब आप क्या करेंगे कोर्ट जाएंगे पर आपने तो उस समझौते में ये आ, मिलकर सहमति से ये डाला था कि भाई कोई कोर्ट नहीं जाएगा तो क्या अब आप, आप जा सकते हैं इसका जवाब है कि हाँ चाहे आप दोनों ने सहमति से उस समझौते में ये चीज डाली भी कि अगर आगे जाके कुछ भी होता है दोनों में से कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता तब भी अगर कुछ नुकसान होता है या जिसे हम कहते हैं कि कोई उल्लंघन किया जाता है किसी वादे का तो मैं आपको बता रही थी कि भारत के संविधान में अगर आपको ये हक दिया गया अधिकार दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपके आपके अगर मैं ये बोलूं कि फंडामेंटल राइट्स को अगर नुकसान पहुंचाता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं कोई स्टेच्यूटरी राइट कोई किसी भी तरह के आपके एक लीगल राइट को अगर नुकसान पहुंचाता है तो कोर्ट जाने का आपका पूरा पूरा अधिकार है फिर चाहे किसी समझौते के अंतर्गत आप दोनों के बीच में ये भी अगर तय किया गया हो कि आगे जाके अगर कोई नुकसान पहुंचा तो दूसरा व्यक्ति कोर्ट नहीं जाएगा अगर ऐसा डाला भी है आपने आपने अपने समझौते में तब भी आपका अधिकार जो आपको भारत का संविधान देता है वो कोई छीन नहीं सकता आपने मान के जान के अगर ये चीज डाली भी फिर भी अगर आप आगे जाके कोर्ट जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस पर प्रश्न नहीं उठा सकता और अगर उठाता भी है तो जवाब यही है कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड है यानी कि कोई भी ऐसा समझौता जो आपको कानूनी उपचार लेने से रोकता है वो जो समझौता है वो वॉइड माना जाएगा वो शून्य है हम आ, आगे बढ़ते अब हम देखेंगे कि दो एक्सेप्शन भी है इसके दो एक्सेप्शन भी है अब एक्सेप्शन क्या है देखिए मैंने ये कहा कि अगर आपको कोई कोर्ट जाने से रोकता है तो वो गलत है पर अब ये सोचिए कि आपके आपका सामने वाले व्यक्ति के साथ अगर एक समझौता समझौता हुआ सम्झोता हुआ है या आ, आगे अनुबंध भी बोलूंगी पर सुनिए समझौता हुआ है और उस समझौते के अंतर्गत ऐसा है कि अगर आगे जाकर दोनों में से कोई भी एक वादा तोड़ता है या उसका उल्लंघन करता है तो कहां पे स्थित कोर्ट में या न्यायालय में सामने वाला व्यक्ति या जिसके राइट्स को नुकसान पहुंचा अधिकार को नुकसान पहुंचाए कौन से कोर्ट में जाएगा तो अगर ऐसा एग्जाम्पल समझिए कि एक से ज्यादा राज्य में स्टेट में स्थित कोर्ट में मामला जा सकता है तो अगर दोनों में व्यक्ति मिलकर सोचते हैं कि अच्छा राजस्थान में और दिल्ली में दोनों जगह ही मामला जा सकता है अगर आगे जाके कोई हम दोनों में से वादा तोड़ता है तो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं, ये तय करते हैं कि अच्छा ऐसा करते हैं। अगर ऐसा होता है कभी आगे फ्यूचर में भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे कि दिल्ली के कोर्ट के पास ही वो अधिकार है और यही चीज आप अपने समझौते में जो है लिख देते हैं तो वो ठीक है वो मान्य है वो वॉइड नहीं माना जाएगा क्यों क्योंकि आप दोनों कोर्ट में तो जा नहीं सकते और यहाँ भी आप अपनी मर्जी से ये आपने डिसाइड किया है कि दोनों में से किसमें जाना है उसी तरह से आपने आर्बिट्रेशन के बारे में तो सुना ही होगा मध्यस्थता आर्बिट्रेशन इन सब चीजों के बारे में तो सुना ही होगा अब आपको ये भी पता है कि जो ये कमर्शियल या जो जो कि वाणिज्य बिजनेस रिलेटेड अगर समझौते होते हैं तो उनमें आजकल उन अनुबंधों में आजकल आज जो दोनों पक्ष होते हैं वो एक जिसे हम कहते हैं क्लॉज एक पॉइंट डाल देते हैं उस अनुबंध में जहां ये लिखा होता है क्लियरली कि अगर आगे जाकर दोनों व्यक्तियों के बीच में कुछ कोई वादे को लेकर अगर मनमुटाव हुआ या कोई दिक्कत हुई लड़ाई हुई तो वो दोनों कोर्ट जाने की या न्यायालय जाने की बजाय आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे तो वो भी गलत नहीं है वो एक अपवाद है अनिश्चित समझौते यानी कि धारा 29 समझौते जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित होने में सक्षम नहीं है वह शून्य कहलाते हैं अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें, ए जो है वो बी को सौ टन तेल बेचने के लिए सहमत है, राजी है बेचना चाहता है यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि किस तरह के तेल का इरादा था अनिश्चितता के समझौता अनिश्चितता है यहाँ पर अनिश्चितता तो इसलिए समझौता शून्य है मैं इसका आप, इसको आपको सरल शब्दों में बताती हूँ देखिए एक व्यापारी है वो तेल बेचता है वो एक से ज्यादा प्रकार का तेल बेचता है कितने तरह के तेल होते हैं वो एक से ज्यादा प्रकार के तेल में बिजनेस करता है उसे बेचता है उसमें व्यापार करता है अब अगर वो सामने वाले व्यक्ति को ये वादा कर दे हाँ मैं आपको सौ टर्न ऑयल बेचने को राजी हूं तो क्या आपको पता चल रहा है कि वो किस ऑयल किस तेल की बात कर रहा है वो तो एक से ज्यादा तेल में डील करता है तो यही बात है हमने जब आ, जब पहले अपने पहले दूसरे व्याख्यान में ये सब पढ़ा था जहां हमने ये कहा था कि सामने वाला अगर प्रस्ताव रखता है तो उसका एक बहुत ही अनिवार्य उसकी एक आवश्यकता ये है कि वो क्लियर होना चाहिए वहां पे कोई कहते हैं ना झोल नहीं होना चाहिए कुछ घुमाव नहीं होना चाहिए आपको किसी के साथ समझौता करना है या अनुबंध में बंधना है तो सीधा सीधा बताइए क्या बेचना है या क्या खरीदना है ये बोलना कि सौ टर्न ऑयल जानते हुए कि वो एक से ज्यादा तेल तरह के तेल बेचता है यहाँ पे तो क्लियर क्लैरिटी नहीं है जैसे लिखा है यहाँ पर कि अनिश्चितता के लिए समझो अनिश्चितता की वजह से समझौता जो है वो शून्य है क्यों क्योंकि अनसर्टेनिटी है क्लैरिटी नहीं है इसमें अब है धारा तीस जहां पे है वेजरिंग अग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं दाव लगाने का समझौता देखिए ये जो बेटिंग या ये जो दाव लगाना इस तरह के जो अग्रीमेंट होते हैं इस तरह के जो समझौते होते हैं उन्हें शून्य यानी कि वॉइड माना जाता है क्यों माना जाता है क्यों क्योंकि देखिए जब आप किसी के साथ कोई अनुबंध करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों पार्टी दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलता है कम ज्यादा चलता है पर दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ मिलता है एक को ज्यादा एक को कम पर कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों को ही कुछ ना कुछ मिलता है वरना कोई घाटे का सौदा क्यों करेगा जी वही मतलब है अब यहां हम ये बात कर रहे हैं जहां हम वेजरिंग या दाव लगाने की या बेटिंग की बात करें वहां पर एक पाता है दूसरा खोता है एक को पैसा मिल रहा है दूसरे का तो पैसा जा रहा है उसको तो कुछ नहीं मिल रहा तो वही बात तो ही क्योंकि यहाँ पर हम कह ही नहीं सकते कभी कि, कि किसी तरह का ऑफर हुआ और वो एक्सेप्ट हुआ कोई कंसिडरेशन है प्रतिफल जो हमने सब पढ़ा यहाँ कुछ है ही नहीं यहाँ तो आपने कहा है कि भाई अगर आज बारिश गिरेगी तो मैं पैसे दूंगा और अगर बारिश नहीं गिरी तो तुम मुझे पैसे दोगे इसमें क्या अनुबंध बना इसमें कर, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर दोनों को कुछ नहीं मिल रहा है एक तो बिल्कुल सब खो रहा है और एक को सब कुछ मिल रहा है एक अनुबंध में ऐसा कभी नहीं होता कम ज्यादा चलता है पर ऐसा नहीं है एक सब कुछ खो दे अपनी मर्जी से और दूसरा सब कुछ पाले अब हम आते हैं अगले प्रकार के वर्ल्ड अग्रीमेंट पर जो कहता है कि ऐसा कार्य करने के लिए समझौता जो कार्य ही असंभव हो यानी कि अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज इम्पॉसिबल इज वर्ड यानी कि मैंने आपको पहले भी एक व्याख्यान में एक उदाहरण दिया था कि किसी को ये वादा करना कि आप उसके लिए चांद सितारे तोड़ के लाओ या किसी को ये वादा करना कि भाई आपको जादू करना आता है तो आप जादू से उसके लिए कुछ चीज लेकर आ जाओगे ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आती हैं जिसे कहते हैं हम ऐसा कार्य करने के लिए समझौता जो असंभव हो ये असंभव है ऐसा कार्य करने के लिए समझौता जो असंभव हो धारा छप्पन के पहले भाग में आता है धारा छप्पन के पहले भाग में अब आप देखेंगे ठीक उसके नीचे मैंने धारा छप्पन का भाग दो लिखा हुआ है तो क्या एक भाग एक और भाग दो में कोई अंतर है बिल्कुल है वो अंतर ये है कि जब आप भाग एक की बात करते हो जो ये कहता है कि ऐसा कार्य करने के लिए समझौता जो असंभव हो शुरू से ही असंभव हो वो कहलाता है void अग्रीमेंट void अग्रीमेंट क्यों क्योंकि वो कभी अनुबंध बन नहीं सकता क्योंकि जिस कार्य को करने के लिए आप सामने वाले के साथ समझौता कर रहे हैं वो कार्य तो हो ही नहीं सकता तो इम्पॉसिबल है जिसे हम कहते हैं तो वो void है void अग्रीमेंट है जब हम भाग दो पे आते हैं वो बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अब मैं आपको बता दूं इससे हम हम जो वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का अंतर है वो भी समझ लेंगे जो भाग दो है पहले एक बार उसको समझते हैं कि वो कहता वो वो क्या बताना चाहता है देखिए भाग दो जो है धारा छप्पन का वो ये कहता है कि दो व्यक्ति दो व्यक्ति जो अनुबंध करने में सक्षम है कॉम्पिटेंट है वो एक अनुबंध करते हैं। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से जिस कार्य को लेकर दोनों के बीच में अनुबंध हुआ था वो अब कार्य करना असंभव हो चुका है यानी कि ऐसा समझिए आप एक डांसर है आपने एक थिएटर uh, में परफॉर्म करना था डांस करना था आपने वहां के मैनेजमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध किया जिसके तहत जो भी डेट जो भी तारीख डिसाइड हुई थी आपने उस तारीख पे जाकर परफॉर्म करना था मान लीजिए वो तारीख एक हफ्ते के बाद है अब उस तारीख के एक दिन पहले मान लीजिए उस थिएटर में आग लग गई पूरा का पूरा थिएटर जल गया तो क्या अब आप वहां जाकर परफॉर्म कर सकते हैं? इसका जवाब है नहीं तो मैंने क्या कहा मैंने आपको कहा ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब अब आप देखेंगे ये तो वॉइड अग्रीमेंट है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वॉइड अग्रीमेंट जो है वो शुरुआत से ही शून्य होते हैं वो कभी उनमें कुछ हो ही नहीं सकता और जो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये शुरुआत में यानी कि जब बने हैं तब तो वो चीज होना संभव थी यानी कि ये डांसर वहाँ थिएटर में परफॉर्म तो कर सकती थी बिल्कुल वो जानी मानी डांसर है और उसने एक अनुबंध किया है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसने वहाँ परफॉर्म करना है और उसको उसका जो पैसा था वो मिलना है अब वहां थिएटर में ही आग लग गई उसमें ना तो अग, इस डांसर की कोई गलती और हो सकता है ना ही वहां पर वो थिएटर वालों की गलती अब अगर ऐसा हो जाए तो क्या आप दोनों में से किसी पार्टी को भी उसका गुनेगार करार कर सकते हैं इसका जवाब है नहीं क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर के तो आग लगाई नहीं है तो यही होता है जो शुरू में बना है वो बिल्कुल पूरा किया जा सकता है वो बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड अनुबंध है पर कोई आगे ऐसी घटना घटती है जो दोनों के ही आपे से बाहर है दोनों के ही कंट्रोल में नहीं है ऐसी स्थिति में ऐसी घटना के होने के बाद जो था या जो अनुबंध था वो वॉइड हो जाता है क्यों वॉइड हो जाता है क्योंकि अब वो काम या वो कार्य जिसको लेके वो अनुबंध बना था वो कार्य कभी अब तीन कभी अचीव हो ही नहीं सकता तो ये दोनों के बीच में अंतर है मैंने शून्य समझौते और शून्य अनुबंध के बीच का अंतर अभी आपको बताया यहां पर अब हम इसके आगे बढ़ते हैं शून्य समझौते यानी कि वॉइड अग्रीमेंट और शून्य कर्ण्य अनुबंध यानी कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच का क्या अंतर है हमने पिछले स्लाइड में देखा वॉइड अग्रीमेंट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अब हम देखेंगे कि वॉइड अग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है सबसे पहला डिफरेंस तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि पहला जो है वो केवल एक समझौता है दूसरा जो है वो एक अनुबंध बन चुका है पर यहाँ पे वो वर्ड अग्रीमेंट है और यहाँ पे वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है हमने पहले भी इस विषय पे चर्चा करी है कि आखिर ये वर्ड और वर्डेबल यानी कि शून्य और शून्य कर्णी इस इनका मत खुद में ही क्या मतलब है देखिए वर्ड मैंने पहले ही बताया कि जिसमें कानून जिसमें कोई कानूनी बल ही नहीं है यानी कि कानून उस चीज को कुछ समझता ही नहीं है वो बिल्कुल खाली शून्य है और जो वॉयडेबल है मैंने आपको बताया था पिछले व्याख्यान में कि वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो है जैसे कि मान लीजिए किसी ने ये चाहा कि वो आपके साथ एक अनुबंध में बंधे यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ वो बंधे और आपकी सहमति पाने के लिए उसने आपके आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी करी या फिर ये समझिए कि उसने कोई जोर आ, कोई जोर जबरदस्ती करी और आपको अपनी सहमति देने पर मजबूर किया वरना आप शायद सहमति नहीं देते अब ऐसी स्थिति में कहते हैं भारतीय संविधान अधिनियम ही कहता है कि ऐसी स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि जो अनुबंध है वो अनुबंध वॉयडेबल यानी कि शून्य कर्ण्य हो जाता है उसका मतलब क्या उसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती करके उसकी सहमति ली या जिसके साथ धोखेबाजी करके उसकी सहमति ली अब जैसे कहते हैं ना बॉल उसके कोर्ट में है तो वही है कि अब उस व्यक्ति के पास दो विकल्प है जिनमें से वो एक चुनेगा पहला विकल्प ये कि ठीक है मेरे साथ धोखाधड़ी हुई या जबरदस्ती हुई पर ये जो अनुबंध के अनुबंध में अब हम दोनों व्यक्ति बंधे हैं मुझे इसमें कुछ फायदा तो हो रहा है तो छोड़िए कोई बात नहीं ऐसे ही रहने देते तो ये पहला विकल्प है कि उसको वैसे ही रहने दो मत बदलो वॉइड वॉइडेबल था ठीक है मैंने चूज ये किया है कि मुझे इसी अनुबंध में बंधे रहना है तो वो बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लेकिन मेरे पास दूसरा विकल्प ये है कि मुझे पता चल गया अरे इसने मेरे साथ धोखाधड़ी करी और मेरी सहमति ली है मुझे नहीं करना इस व्यक्ति के साथ कोई भी व्यापार तो ऐसे में आपके पास दूसरा विकल्प ये है कि आप उस उस समझौते को समझौता तो नहीं कॉन्ट्रा अनुबंध तो बोलते ही हम उसे वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं उस अनुबंध को आप वहीं पर ही खत्म कर दीजिए ये दूसरा विकल्प है आपके पास तो वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो व्यक्ति को दो विकल्प देता है वॉइड अग्रीमेंट में तो कोई विकल्प है नहीं वॉइड अग्रीमेंट को तो भारतीय संविदा अधिनियम ही कहता है कि भाई ये जो समझौता है भारतीय संविधा अधिनियम में क्लियरली लिखित में दिया गया है कि इस तरह का समझौता या इस कई प्रकार के जो समझौते हमने अभी पढ़े वो सारे वॉइड है शून्य है पर वर्डबल हमने देखा वर्डल में उस व्यक्ति के पास ही विकल्प है वो चाहे तो उसमें बंधा रहे वो कॉन्ट्रैक्ट तो है अब देखते हैं, शून्य समझौता वह समझौता है जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है जबकि अनुबंध देखिए दोनों में शून्य समझौता अनुबंध यानी कि वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक लागू करने योग्य है जब तक कि इससे पीड़ित पक्ष इससे पीड़ित पक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाता यानी कि वो दूसरा विकल्प नहीं चूज करता पहला विकल्प तो है कि वो उसी में बंधा रहे दूसरा विकल्प वो है कि वो ये बोले कि अब उससे उसमें नहीं बंधे रहना है वो उस आ, अगर मैं बोलू अनुबंध को अब अस्वीकार कर देता है शून्य समझौता वैध अनुबंध शून्य समझौता वैध अनुबंध नहीं बन सकता है यानी कि एक वॉइड अग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन सकता वो वॉइड अग्रीमेंट है उससे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि वो अग्रीमेंट ही वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही कैसे लेकिन शून्य करणीय अनुबंध एक वैध अनुबंध होगा यदि पीड़ित पक्ष अनुबंध के साथ जारी रखने का विकल्प चुनता है शून्य समझौता तीसरे पक्ष के लिए अधिकार नहीं बना सकता है क्योंकि वो वॉइड अग्रीमेंट है जबकि एक शून्य अनुबंध यानी कि वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट अस्वीकार होने से पहले तीसरे पक्ष को अधिकार पारित कर सकता है अब हम देखते हैं आखिर में कि शून्य और अवैध समझौते के बीच क्या अंतर है यानी कि जो वॉइड अग्रीमेंट है और जो इन इन दोनों के बीच में क्या अंतर है अवैध समझौता एक ऐसी चीज है जो कानून द्वारा निषिद्ध है यानी कि मना ये फोबिडन है जबकि एक शून्य समझौते को निषिद्ध नहीं किया जा सकता है देखिए वो शून्य समझौता शून्य समझौता इसीलिए कहलाता है क्योंकि भारतीय संविधा अधिनियम में उसे शून्य समझौता कहा गया है और एक बात ये जरूर समझ लीजिए कि हर अवैध समझौता जो है वो शून्य समझौता है पर उल्टा जरूरी नहीं है यानी कि हर शून्य समझौता अवैध समझौता नहीं होता यह समझना जरूरी है जो आपका भारतीय संविधान अधिनियम है जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ आईसी अधिनियम लिखा है तो आईसी अधिनियम के धारा तेईस के तेईस जो है वो उन मामलों को बताती है जिनमें विचार या वस्तु गैर कानूनी है यानी कि जो आपका कंसिडरेशन है या जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है ऐसे मामलों में समझौता भी शून्य है दूसरी ओर धारा 25 से 30 उदाहरण के लिए उन मामलों को कवर करती है जिनमें समझौता केवल शून्य है हालांकि विचार और गैर कानूनी होने की आवश्यकता नहीं है प्रत्येक अवैध समझौता भी शून्य यही इसी के साथ मैं आपको इसी चीज पर बार बार लेकर आ रही हूं कि जो प्रत्येक अवैध समझौता है यानी कि हर इलीगल अग्रीमेंट जो है वो शून्य है वो वॉइड है क्योंकि कानून की नजरों में वो बिल्कुल उसका कोई बल कोई वजूद नहीं है लेकिन शून्य समझौतों के मामले में ये आवश्यक नहीं है यानी कि जरूरी नहीं है हर शून्य समझौता जो है वो एक अवैध समझौता भी हो इसी के साथ मैं आज का ये व्याख्यान समाप्त करती हूँ धन्यवाद